तो एक्टिंग वर्कशॉप जो है वो बेसिकली क्या होती है, ये लाहौर में फलां बंदा जो है वो एक्टिंग सिखा रहा है, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं आपको इसका तरीका बता सकता हूं, मैं आपको हर चीज के तरीके बता सकता हूं कि आप ये चेक कर लेंगे कि ये बंदा सही है या गलत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे एक्टर, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली फिल्म्स। आज का ये जो एपिसोड है ये आपके सवालों के ऊपर है, और सवाल वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं कुछ वीडियोस में इस पर बात कर भी चुका हूँ, लेकिन कुछ और नए लोग आते हैं जो यहीं से देखना शुरू करते हैं, तो फिर वो पुराने सवाल करते हैं या नए अंदाज में पुराने सवाल करते हैं, तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल तो ये है कि आप लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि फलां जगह पे एक्टिंग वर्कशॉप हो रही है तो हम वहाँ सीखने जाएं या ना जाएं। तो एक्टिंग वर्कशॉप जो है वो बेसिकली क्या होती है, एक्टिंग वर्कशॉप ये होती है कि आप पहले से एक्टिंग कर रहे हों या एक्टिंग के बारे में इंटरेस्टेड हों और थोड़ा बहुत उसके बारे में आपका नॉलेज हो, कभी आपने सेट विज़िट किया हो या आपने कभी थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा कोई रोल प्ले किया हो, तो फिर एक आपको बेसिक सा उसका थोड़ा सा नॉलेज होता है, और कहीं एक्टिंग वर्कशॉप हो रही है आप वो जाते हैं, आप वो अटेंड करते हैं, आपको समझ आ जाती है। हम बात करें ट्रेनिंग वर्कशॉप की, जो मैंने एक्टिंग वर्कशॉप की थी वो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने ये नहीं कहा था कि हम आपको एक्टिंग सिखाएंगे, गो के हमने उसमें एक्टिंग की काफ़ी चीज़ें जो बेसिक उसके लेसन वगैरह होते हैं वो कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन 3 दिन में ज़ाहरी बात है कि कोई भी चीज़, कोई भी फ़न, कोई भी आर्ट सीखा नहीं जा सकता, उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो इसी तरह से जो एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं या किसी भी चीज़ की कोई वर्कशॉप होती है, राइटिंग की वर्कशॉप होती है या जो NGOs हैं उनकी अपने काम के हिसाब से वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो वो बेसिकली ये नहीं होता कि वो आपको वहाँ पर सिखा देंगे सारा कुछ, वो जो पहले से वो काम कर रहे हैं उनको उसका थोड़ा नॉलेज देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं किस तरह से काम हो रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है और इसमें नए ट्रेंड्स क्या है, क्या क्या तब्दीली आ रही है, क्या क्या हो रहा है। तो इस सारे इंट्रोडक्शन को और इन सारी चीज़ों को एक्टिंग वर्कशॉप में कवर किया जाता है। तो वहाँ पे आपको बेसिक एक्टिंग का हम बात कर रहे हैं जो 3 दिन की है, 5 दिन की है, जो 10 दिन की है ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब वर्कशॉप जो है कुछ हफ्तों की भी होती हैं और वो उस पर डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा कोर्सेज भी उनको कहते हैं। तो जो बेसिकली जो एक्टिंग वर्कशॉप का जो कॉन्सेप्ट है या वो जो एक्टिंग वर्कशॉप जो करवाई जाती है वो इसलिए करवाई जाती है कि वो जो थोड़ा बहुत जिनका पहले से नॉलेज है कुछ, वो वहाँ आए और ज्वाइन करें और वो थोड़ा सा रिफ्रेशर कोर्स की तरह उसको लें और थोड़ा मज़ीद पॉलिश करें ख़ुद को और नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस हों। तो वो जो भी करवा रहा है, अगर आप अफोर्ड करते हैं जाना और अगर आपको लगता है कि सूटेबल है, अगर आपको लगता है कि ये कहीं बात आगे जुड़ेगी जाके इसका कोई फ़ायदा होगा तो ज़रूर जाएं। और दूसरा आपका सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि फलां एक एक्टिंग की एकेडमी है कराची में, मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं ये जनरली बात कर रहा हूँ, ये लाहौर में फलां बंदा जो है वो एक्टिंग सिखा रहा है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये सही है या फेक है। सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि ये सही है या जाली है। और अखबार में जो इश्तहार आते हैं वो इतने इतने से जो इश्तहार होते हैं जिस पर लिखा होता है कि अदाकार जो है वो हमें चाहिए और ये अपनी तस्वीरें भेज दें और इस नंबर पर कॉल कर दें या पैसे भेज दें, तो वो जो इश्तहार होते हैं अखबार के जो इस साइज़ में छापे जाते हैं वो बिल्कुल फेक होते हैं, उनका कोई भी सर पैर नहीं होता। कोई भी प्रोडक्शन हाउस अखबार में इश्तहार नहीं देता एक्टरों के लिए, ठीक है। कोई कंपटीशन हो सकता है किसी चैनल की तरफ से, सिंगिंग का कंपटीशन है, एक्टिंग का कंपटीशन है, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने कोई एक्टिंग का कंपटीशन अनाउंस किया तो वो अखबार में आएगा और वो इतना बड़ा ऐड होता है, वो आधे सफ़े का होता है ऑलमोस्ट, या आधे से यानी कि 1/4 जो साइज़ बनता है उसका होता है। जो ये इतने इतने एड्स आते हैं ना एड्स वाले पेज के ऊपर, अखबार का एक पेज होता है जिसपे एड्स होते हैं सारे, उसमें जो इतने से ज़रूरत रिश्ता और इस तरह के जो एड्स होते हैं उनमें, या नाम की तब्दीली के एड्स होते हैं उनमें, छोटा सा इतना करके एक ऐड होता है जिसमें लिखा होता है कि ज़रूरत फनकार अदाकारी के शौकीन हजरात हमें कॉन्टैक्ट करें और ये नंबर है और इस तरह करके, फिर वो आगे जाके पैसे मांगते हैं, वो फेक होते हैं, उनका कोई उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, बेसिकली वो कुछ होता ही नहीं है, तो वो सिर्फ पैसे ईंटने का एक बहाना होता है। तो उसका भी किसी ने मुझसे पूछा हुआ था, बल्कि 3-4 लोगों ने पूछा था कि अखबार में इश्तहार आया हुआ है और उन्होंने मुझे भेजा भी, तो वो मैंने उनको बताया कि इस पर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये होता है कि जो आप पूछते हैं कि एक्टिंग का ये वाली इस जगह पे एक्टिंग की एकेडमी है और उन्होंने कहा जी हम आपको सिखाएंगे, हम आपको चांस भी देंगे
और जब हमने कहा कि ठीक है तो उन्होंने बताया जी 15,000 रुपये महीना है तो आप ये ज्वाइन करें, पहले जमा करवाएं। अच्छा, आप पूछते हैं कि आप उसको ज्वाइन करें या ना करें। पहली बात तो ये है कि ये सोलली आपका अपना डिसीजन है कि आप उसको ज्वाइन करें या ना करें। आप करना चाहते हैं आप कर लें। और दूसरी बात यह है कि मैं उन सबको नहीं जानता होता। पाकिस्तान में जितनी भी एक्टिंग एकेडमी है, ऐसा नहीं है कि मैं उन सबको जानता हूँ, ये बात नहीं है। इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कि आप वहाँ जाएँ या वहाँ ना जाएँ। आप मुझसे सीधा पूछते हैं कि ये बंदा जो है ये जाली है कि सही है। कुछ लोग मुझे उनके व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कुछ लोग मुझे उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई होती है ऑडियो वगैरह वो भेजते हैं कि इसकी बात सुनें, ये क्या कह रहा है और मुझे बताएं ये सही है कि नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो सही नहीं है जबकि मुझे पता ही नहीं है? ना मैं ये कह सकता हूँ कि वो सही है, मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी ज़िम्मेदारी वाली बात होती है कि आप मेरे से पूछते हैं और मैं उसमें आपको कोई गलत जवाब दे दूँ, ये मैं नहीं चाहता। मैं आपको इसका तरीका बता सकता हूँ, मैं आपको हर चीज़ के तरीके बता सकता हूँ कि आप ये चेक कर लेंगे कि ये बंदा सही है या गलत है। क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है, मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं है इस किस्म का कि जिसपे सारे लोग जब एक्टिंग एकेडमी खोलते हैं तो मेरे से पहले पूछते हैं या मुझे बताते हैं या मेरे पास नोट करवाते हैं और मैं देख के बता दूँ कि हाँ ये सही है या ये गलत है। तो इसलिए इसका एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं। अब जो भी बंदा वहाँ पर एक्टिंग सिखा रहा है या जो भी बंदा कह रहा है मैं एक्टिंग सिखाता हूं, आपको चाहिए कि आप उसका पोर्टफोलियो देखें। आपको चाहिए कि आप देखें कि ये आदमी क्या कर रहा था, ये आदमी क्या करता है। अगर तो वो कोई 5 साल से 10 साल के बीच में उसका एक्टिंग करियर है, 5 साल हो गए उसको एक्टिंग करते हुए और 5 साल से ज्यादा हो गए, और ये नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है तो वो बस छोटे छोटे रोल कर रहा है, वो मेन रोल्स कर चुका हो, वो आए दिन उसका कोई ड्रामा चलता हो कभी, और अच्छे चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे नहीं, टीवी चैनल्स पे उसके ड्रामे भी चलते हों और उसके लोग इंटरव्यू भी लेते हों इन चीज़ों के बारे में, और उसकी अपनी भी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई हो, तो वो सिखा रहा है तो वो यकीनन सिखा सकता है क्योंकि वो बेसिक नॉलेज 5 साल में आपको आ जाता है एक्टिंग कर करके आप सीख जाते हैं। दूसरा ये है कि और अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो आप उसकी शक्ल पहचान लेंगे, अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो आपको टीवी देखते हुए कभी ना कभी उसका कोई ड्रामा दिखाई दे जाएगा, कभी ना कभी उसकी कोई कमर्शियल दिखाई दे जाएगी, और वो अगर 15-20 साल से ये काम कर रहा है और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है, उसकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका कोई डिप्लोमा है, ऐसी कोई डिग्री है उसके पास मीडिया की या मीडिया स्टडीज़ की, या उसने इस फील्ड में इतना काम कर लिया है, कोई भी डिग्री नहीं है लेकिन उसने इतना काम कर लिया है कि वो लोगों को अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता है, जो वो सीखा है वो आगे कन्वे कर सकता है, तो यकीनन वो कुछ सिखा सकता है, आप उससे सीख सकते हैं। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि ये बंदा ये काम करता है कि नहीं करता, ये कर चुका है कि नहीं कर चुका? आप हो सकता है कि टीवी ना देखते हो तो कैसे पता चलेगा? आप उसके सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको उसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब वो अगर वो डायरेक्टर है तो वो शूट कर रहा होगा, वो किसी मशहूर एक्टर को डायरेक्शन दे रहा होगा, वो किसी बड़े सेटअप में एक्टिंग करवा रहा होगा लोगों से, उसके पास जो कैमरे लगे होंगे वो आम कैमरे नहीं होंगे, वो एरी पे या रेड पे या ब्लैक मैजिक पे या सोनी के जो ज़रा महंगी वाली लाइन है कैमरों की, उन पे शूट कर रहा होगा, मोबाइल फ़ोन पे नहीं कर रहा होगा, एक DSLR पे ऐसे पकड़ के नहीं कर रहा होगा। तो अगर वो बड़े बड़े एक्टरों को डायरेक्शन दे रहा है, बड़े बड़े एक्टर उसको जानते हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं बिहाइंड द सीन वीडियोज़ में, आपको देख के समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है ये डायरेक्टर है या नहीं है। उसके आप पोर्टफोलियो पे जाएंगे, लोग यहाँ पे जाली तस्वीरें इतनी लगाते रहते हैं तो जो सही काम कर रहा होगा उसकी तस्वीरें तो आपको वहाँ मिल ही जाएंगी। तो आप उसके इंस्टाग्राम पे जाएं, उसके टिकटॉक पे जाएं, उसके फेसबुक पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर वो एक्टर है तो एक्टिंग करता हुआ नज़र आ जाएगा, मशहूर एक्टर्स के साथ खड़ा हुआ, सीन याद करता हुआ, रिहर्सल्स करता हुआ, उस मशहूर एक्टर ने उसके कंधे पे हाथ रखा होगा, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा काम करता है, इसको फील्ड में लोग जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो भी आपको समझ आ जाएगी कि लोग इसको जानते हैं। दूसरा ये होगा तरीका कि अगर वो डायरेक्टर है तो आपको उसको उसके बिहाइंड द सीन वीडियोस मिल जाएंगी, वो लोगों को डायरेक्ट कर रहा होगा, लोगों को स्क्रिप्ट समझा रहा होगा, तब भी आपको समझ आ जाएगी कि इसको ये काम आता है। तीसरा तरीका ये है कि उसके पास कोई डिग्री होगी, वो किसी वो NCA से, LUMS से या BNU से या नापा इंस्टीट्यूट से या अलमरा से, कहीं ना कहीं से उसके पास कोई डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, वो आप देख सकते हैं, वो उसने ज़रूर शो की होगी, या अगर आपको कहता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आप जो उसको 15,000 रुपये 20,000 रुपये दे रहे हैं
आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपने कहाँ से सीखा है, आप कैसे सिखा रहे हैं, हमने तो आपको कभी कोई ड्रामा में नहीं देखा, ना हमने आपको कोई डायरेक्टर के तौर पे कहीं देखा है, ना आपकी कोई डिग्री डिप्लोमा है, अगर है तो आप हमें बताएं। तो उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको भी ये बताना चाहिए कि जैसे यूनिवर्सिटी बताती है कि ये अफिलिएटेड है फलां यूनिवर्सिटी से, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है अगर वो बता सकती है कि मैं यहाँ से अफिलिएटेड हूँ, और वो आपको कागजात भी दिखाएंगे, उनकी वेबसाइट पे भी पड़े होंगे वो सारे जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें अफिलिएशन की, तो ये आदमी आपको क्यों नहीं बताएगा, इसको बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताता तो आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। आप उसको पैसे पे कर रहे हैं, आपका ये हक क्या पूछना कि आप कहाँ रजिस्टर्ड हैं, आपकी कौन सी कंपनी है, आपने आज तक क्या बनाया है, आपने खुद कहाँ से सीखा है, आप हमें कैसे सिखा सकते हैं, ये पूछना आपका हक है, ये जानना आपका हक है। आप उससे पूछें, बजाय ये कि मुझे आप उसकी वॉइस नोट्स भेजें, आप उससे पूछें कि भाई आपने कहाँ से सीखा है, आपके उसको डिग्री है, डिप्लोमा है, क्या है। तो अब बहुत से ऐसे भी टीचर्स होंगे, ऐसे भी एक्टिंग के कोच होंगे, ऐसे एक्टिंग के उस्ताद होंगे जो कहीं ना कहीं एक्टिंग पढ़ा या सिखा रहे होंगे, वो NCA में पढ़ाते होंगे, वो BNU में पढ़ाते होंगे, वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पढ़ाते होंगे, या वो विजिटिंग फैकल्टी में जाके यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म मेकिंग के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर शॉर्ट कोर्सेज करवाते होंगे, वर्कशॉप्स करवाते होंगे, और वो भी उनके प्रोफाइल से आपको मिल जाएगा। वो ज़ाहिर हर आदमी अपनी तस्वीरें लगाता है, लिखता है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो वो आपको उनके सोशल मीडिया से ये पता चल जाएगा। ऐसा आदमी अगर कहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके उनसे सीखें। अब उसके अंदर मज़ीद आगे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि जैसे हमने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में एक्टिंग वर्कशॉप की थी, तो जब हमने उसके डिप्लोमास दिए तो उसके ऊपर एक कोने पे अलहमरा का लोगो लगा हुआ था, एक कोने पे आबिद अली फिल्म्स का लोगो लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑथेंटिक चीज़ है, अलहमरा एक गवर्नमेंट का इदारा है, अगर उन्होंने मुझे वहाँ अलाउ किया है वहाँ पे कि मैं एक्टिंग वर्कशॉप करवाऊँ, तो वो समझते हैं कि मैं एक्टिंग वर्कशॉप करवा सकता हूँ। उन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप पे ये किया था, पार्टनरशिप से मुराद ये कि पैसे नहीं कोई हमने उसमें से कमाए, हमने तो फीस ली नहीं थी, वो एक जॉइंट वेंचर था, उसमें अलहमरा मेरे साथ शामिल था। गया मैं इसलिए था कि मैंने कहा कि मुझे हॉल दे दें, मैंने इन कुछ लोगों के साथ एक्टिंग वर्कशॉप करनी है। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो और वो मुझे जानते भी थे, तो उनको समझ आई कि ये हमें खुद इसका पार्ट बन जाना चाहिए, तो वो हॉल उन्होंने मुझे दिया वहाँ पे वो करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हमारा लोगो भी साथ लगेगा, अलहमरा इसमें आपके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहता है। तो उस ऐसे आदमी का कुछ तरह का बैकग्राउंड होगा, वो आपको पता चल जाएगा, आप उसे सवाल करेंगे, वो आपको जवाब दे देगा, वो आपको अपना वो लेटर भी दिखाएगा, उसको दिखाना चाहिए लेटर, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हैं।